हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक अगेन। आज जो मैं भवल आप लोगों को बताई थी ए और ई, उसके बाद आई ओ यू, आज मैं फिर से बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस दूंगी। आप लोगों को घर पे बैठकर इसे बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है साउंड ऑफ भवल आई। आई जैसे मैं भवल बताई थी, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे मैं भवल में बताई थी, भवल में 5 लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू। अब मैं कल ए और ई के बारे में बताई थी कि इनसे क्या क्या वर्ड बनेगा और बहुत सारा वर्ड्स बनता है। सो आज मैं आई और ओ यू का बताऊँगी। तो आई से वर्ड बन रहा है आइस, इंक, किड, वेन, पेन। वैसे ओ का है ऑक्स, आउल, काउ, टॉय, टॉप। और भी वर्ड्स बनते हैं अप, सन, कप, मग। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, बट मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है, और ये बता रही हूँ। सो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाकर देखते हैं। देखिए, साउंड ऑफ भवल आई। अब इसमें आई का यूज़ होना है। इंक, आई एन के, इसमें आई का यूज़ होगा, यूज़ ऑफ आई। ओके, आइस, इसमें भी आई का यूज़ होगा, जैसे इंक में मैं आई भर रही हूँ, इंक। फिर ऐसी आइस, आइस में भी आई होगा, किड, लिप, सिट, बिन, जिप, इन सभी में किसका यूज़ होगा, आई का यूज़ होगा। साउंड ऑफ भवल आई का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ऑफ भवल ओ। इसी तरीके से इसमें भी ओ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, ओ का यूज़ होगा। चलिए इसे एक बनाकर देखते हैं। फर्स्ट है ऑक्स। ऑक्स में फर्स्ट लेटर क्या होगा, ओ, ओ, ऑक्स। वैसे ही आउल में ओ, फॉक्स, काउ, डॉग, हॉट, बुक, टॉय, ठीक है, इन सभी को आपको बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है साउंड ऑफ भवल यू। यू में यूज़ ऑफ यू, यानी कि इसमें यू का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, यू का। फर्स्ट है सन, बस, कप, मग, फन, नट, हट। चलिए एक बनाकर देखते हैं। सन, सन में किसका यूज़ हुआ, यू का। वैसे ही बनाना है बस, कप, मग, फन, नट, हट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बना करके आप लोगों को सबमिट करना है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।